They are heartless. Godless barbarians. Kill blindly. What is the soul of man? They scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. Assassin's Creed ka 12th series, Assassin's Creed Valhalla is coming and its official trailer has destroyed the minds of gamers. Believe me guys, ye jo game aa raha hai wo na pichle walo har ek series ka record todne wala hai. A record breaking game which is damn good in graphics, in storyline and also in actions. So, जान लेते हैं इस गेम के बारे में कुछ amazing facts and data. So, enter the video with me, JJ Soham. Let's start. Officially confirmed है कि Assassin's Creed Valhalla की जो main character होने वाला है, उसका नाम है Ivar. जो कि एक लेजेंडरी वाइकिंग रेडर है. इसका जेंडर अभी तक पता नहीं चला क्योंकि इस जेंडर को आप मेल भी ले सकते हो और फीमेल भी ले सकते हो. दैट्स व्हाई इट्स हैव अ ऑफ द असैसिन्स क्रीड सीरीज अल्ट्रा ग्राफिक्स और दमदार एक्शंस के साथ ये गेम में जो ब्लडी ब्लडी सीन्स होगा ना
वो ना सेंसिटिव माइंड को अफेक्ट कर सकता है, दैट्स वाई ये गेम थोड़ा बहुत एडजस्टेड है। इस गेम का मेन डेवलपर तो यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल है, पर इसके साथ दुनिया भर की और 14 स्टूडियोस मिलकर ये गेम को डेवलप किया है। Assassin's Creed Valhalla is mainly based on Norse mythology और Norse novel. ये Norse novel जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे इस सब देश में प्रचलित एक नॉवल है। Assassin's Creed का ये सीरीज इंग्लैंड का 9th सेंचुरी जो कि डार्क एजेस ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है उसके इस गेम में जो मेन विलेन होगा वो है इंग्लैंड का राजा किंग अल्फ्रेड ऑफ वॉसेक्स। इसके खिलाफ ही एज अ प्लेयर आपको एक एक मिशन कंप्लीट करना है। इंग्लैंड के कुछ मेजर किंगडम्स लाइक वॉसेक्स, नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया में प्लेयर्स एक ओपन वर्ल्ड गेम की तरह ट्रैवल और छोटा मोटा मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस गेम पे लंदन, विंचेस्टर, यॉर्क और भी कुछ स्मॉल टाउन्स को दिया गया है, जैसे भी प्लेयर्स कभी भी एक गेम खेलकर बोर्डम ना फील करें, बोर्डम ना फील करें। इन दिस गेम प्लेयर्स कैन इजीली चूज देयर ओन डायलॉग्स दैट कैन अफेक्ट द होल स्टोरी लाइन, यानी इस गेम पे सिचुएशन वाइज प्लेयर को सोचकर एक डायलॉग को चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर आगे आने वाला स्टोरी लाइन डिपेंड करता है। इसलिए तो ये गेम कुछ हटकर अगर हम इस गेम का वेपन्स, शील्ड्स और आर्मर की बात करें तो इस गेम में पहले सीरीज की तरह जो एक्सेस, स्वॉर्ड्स, मैसेज सेल्स एट्सेट्रा थी वो तो इस गेम में भी है। इस गेम में जो चेंज किया गया है कि इस गेम में प्लेयर अपनी पसंदीदा कोई भी दो वेपन को कॉम्बाइन करके खेल सकते हैं, दैट्स द चेंज। और इसके बावजूद और एक चेंज किया गया है कि Assassin's Creed Valhalla में प्लेयर स्वॉर्ड और शील्ड को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, स्वॉर्ड और शील्ड एक साथ यूज़ कर सकता है जो कि पहले सीरीज में नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी Assassin's Creed Valhalla में आप बहुत बहुत लूट कर सकते हैं। लूट की जो लोकेशंस हैं वो है एनिमी विलेजेस पर आप एनिमल भी शिकार कर सकते हैं खाने के लिए और उसकी जो हड्डियाँ और इनको बेचकर पैसा कमा भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो एनिमी का फोर्स होता है उसमें भी आप भारी भरकम के अटैक करके वेपन्स खजाना और भी बहुत सारी चीज़ लूट कर सकते हैं, तो ये बहुत मजेदार है। गेम को और भी एडवेंचरस बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एनिमी टेरिटोरीज दिया गया है, खास करके इस एनिमी टेरिटोरीज के आपको ओपन वर्ल्ड फीलिंग देगा, छोटे मोटे मिशन भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इशू है कि किसी भी टेरिटोरी पर जाएंगे तो पिछली बड़ी टेरिटोरी पर आप कभी भी वापस नहीं आ सकते, तो ये एक इशू है। बट सब मिला करके ये बहुत ही अच्छा है। Assassin's Creed गेम का और एक जो सब गेमर्स को अच्छा लगता है वो है इसका नवल वार, यानी कि पानी में जो युद्ध, इस युद्ध का फीलिंग ना पूरा की तरह एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जो मूवी है उसकी तरह फीलिंग देता है, बहुत ही कमाल का है भाई, बहुत ही कमाल का। तो इस बार भी इस नेवल वार का ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसके साथ साथ बहुत सारे टेम्पलर शिप्स भी आपको मिलेगी, कुछ नए डिज़ाइन, नए फीचर्स के शिप्स भी आपको देखने मिल सकता है इस गेम पे। तो सब मिला करके तो और भी खास होने वाला है इस बार की गेम। टुडेज लास्ट फैक्ट, Assassin's Creed Valhalla में बहुत सारे नए एनिमल्स और नए क्रिएचर्स ऐड किया गया है, बट जो इसका मेन फोकस और मेन अट्रैक्शन है वो है एक कौवा। हाँ, एक कौवा जो आपकी कहते हैं कि ट्रस्टेड पेट कह सकते हो। इस कौवे का नाम है स्वाइनिन। इस कौवा आपको
हर एक जगह की नेविगेट करने का हेल्प करने का पड़ेगा। इसके साथ साथ कमिंग डेंजर को अलर्ट करने के लिए भी आपको मदद करेगा, तो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा होगा ये। और इस कौवे का एक अलग सी लोगो भी यूबीसॉफ्ट ने पब्लिश किया है, सो इट्स हैव इट्स स्पेशलिटी। इस गेम को जो डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर अशरफ इस्माइल, उन्होंने बोला है कि इस गेम में बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे मिस्ट्री को दिखाने की कोशिश किया गया है, फिर भी हमारा जो वर्ल्ड और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बहुत बहुत सारे अभी भी मिस्ट्री छुपा हुआ है। तो यूबीसॉफ्ट का मेन जो एम है अपनी जो हिस्टोरिकल गेम्स है, ट्रू हिस्टोरिकल गेम्स, उसमें ये सब मिस्ट्रीज को धीरे धीरे से लाना और गेमर्स को परिचित करना। तो ये बात बहुत ही अच्छा लगा, यूबीसॉफ्ट के ये सब इनिशिएटिव्स आई थिंक बहुत बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और आगे भी सक्सेसफुल होगा। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो के लिए इतना ही। होप यू एन्जॉयड इट एंड गेन्ड सम फैक्ट। कुछ और अपडेट और न्यूज़ इस गेम के बारे में मिला तो मैं उसको गेमिंग अपडेट्स में कवर कर दूंगा। तो फिर कभी मिलते हैं, गुड बाय एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, स्टे सेफ, सी यू सून।